आगे को करना थोड़ा सा ना, बस अब आगे मत जाना। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप और मैं मनोज शांडिल अभी मौजूद हूँ। नहीं चलेंगे झूठे भाषण नहीं चलेंगे। ठगी ठोरी नहीं चलेगी। दानाशाही नहीं चलेगी। ठगी ठोरी नहीं चलेगी। हिमाचल का अपमान नहीं सहेंगे। कांगड़ा का अपमान नहीं सहेंगे। मंडी का अपमान नहीं सहेंगे। सदन से आज वॉकआउट किया है क्या मुख्यमंत्री? इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, उन्होंने तथ्यात्मक, विशेष करके जो हमारे विपक्ष के साथी थे, मुख्यमंत्री जी जैसे कहते हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के विचार को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, उसको आधार मान करके वो आगे चल रहे होंगे, परंतु जैसे राज्यपाल जी ने जब अभिभाषण पढ़ा, आभास इजहार करवाना चाहते हैं, परंतु केंद्र सरकार ने, विशेष करके श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री अमित शाह जी ने, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रयासों से और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से और यहाँ के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी के प्रयासों से, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल MLAs हैं, जहाँ जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा आई, नुकसान आई, उन्होंने अपने प्रयासों से वहाँ पर जो राहत कर सकते थे दे सकते थे, तो हमारी बात तो छोड़िए, पर जहाँ पर इस अभिभाषण में केंद्र के नेतृत्व का आभार होना चाहिए था, उसका कहीं पर जिक्र नहीं। खेलो इंडिया के नाम पर कह रहे हैं कि हम एक से ज़्यादा दर्जन यहाँ पर सेंटर खोलेंगे, अनुराग ठाकुर जी का आभार तो प्रकट कर देते, उसका कोई जिक्र नहीं। तो हम यहाँ पर कोई एक राम कहानी या जिसको कह सकते हैं कि रेडीमेड जैसा स्टीरियो टेप्ड भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कुछ बातों का इजहार वो जिक्र हुआ है, यहाँ पर मैंने पढ़ा, यहाँ पर ये भी कहा गया कि हम जो अस्पताल हैं, आदर्श अस्पताल हैं, वहाँ पर 5-5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेज दिए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। एक बात यहाँ पर और कही गई है कि हम कांगड़ा के एयरपोर्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, करें, परंतु जो वहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं उनके विस्थापन की क्या चिंता की गई है? कहा जा रहा है कि हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल और 3,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान कर दिया गया है, ये सरासर झूठ है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम गोल्फ कोर्स करेंगे, यहाँ पर कैसीनो खोले जाएंगे, इत्यादि नाइट क्लब्स खोले जाएंगे, और तो और पालमपुर में यहाँ पर एक टूरिज्म विलेज, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को हथियाने की कोशिश हो रही है, यानी हमारी संस्कृति पर चोट पहुँचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे हम एक मजबूत विपक्ष हैं और मजबूत विपक्ष जो है आँखें मूंद करके उनकी कहानी नहीं सुनेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेजेस बने हैं तो उस समय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, हर मेडिकल कॉलेज के लिए 262 करोड़ रुपया क्रमशः उन्होंने जारी किया था, और बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं केंद्र में श्री अनुराग ठाकुर जी का और 2017 से 22 के बीच में श्री जयराम ठाकुर जी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा और धर्मशाला के कैंपसेस के लिए 500 करोड़ रुपये स्वीकृत होया, देहरा में काम शुरू हो गया, धर्मशाला जदरांगल नॉर्थ कैंपस 30 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जमा करवाने हैं, वो जमा नहीं